नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम लोग एडोल्फ हिटलर की कहानी या उनकी पुस्तक मेरा संघर्ष की कड़ी में आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उनकी सोच के बारे में देखा था, जिसमें वो विरोधियों के बारे में बता रहे थे। अब इससे आगे सोशल डेमोक्रेसी ने अपने ही अनुभव से चरित्र हनन की शक्ति को जाना है, और यही कारण है कि अपने को निर्भीक मानने वाले इसका सीधा लक्ष्य बनते हैं। यह बात दूसरी है कि ऐसे निर्भीक व्यक्ति वास्तव में बहुत ही कम मिलते हैं। इसके विपरीत इस प्रणाली में दुर्बल विरोधियों की प्रशंसा की जाती है, आमतौर पर बड़ी होशियारी से उनकी कल्पित मानसिकता योग्यताओं के लिए उन्हें सराहा जाता है। वस्तुतः इस शासन प्रणाली के पक्षधर सामान्य बुद्धि वाले होने पर भी कर्मठ और चरित्रवान व्यक्तियों की बजाय प्रतिभाशाली होने पर भी इच्छा शक्ति के अभाव वाले व्यक्तियों से कम डरते हैं। बुद्धि और इच्छा शक्ति से रहित विरोधी की तो वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी के पक्षधर यह समझते हैं कि केवल वे ही सच्ची अर्थों में शांति के रक्षक हैं। वे बड़े सावधानी से काम करते हैं और अपने अंतिम उद्देश्य को कभी नहीं भूलते। वे एक के बाद एक स्थिति को जीतते चले जाते हैं। एक समय शांति से भयभीत करते हैं, दूसरे समय खुली डकैती डालते हैं। वे इन तरीकों का तब तक प्रयोग करते हैं जब लोगों का ध्यान उन दूसरी बातों में लगा हो जहां से वे उनका ध्यान हटाना न चाहते हों, या फिर लोग इसे एक मामूली घटना मानकर उन पर आक्षेप न करने लगें और विरोधी का क्रोध उत्तेजित न हो। मानवीय कमजोरियों को भली प्रकार से समझकर ही सोशल डेमोक्रेसी के पक्ष में युक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं। अतः गणितज्ञ की गणना की तरह वे अवश्य सत्य सिद्ध होती हैं। यह सब तब तक चलता है जब तक कि दूसरा पक्ष यह नहीं सीख लेता कि जहरीली गैस के साथ जहरीली गैस से ही युद्ध किया जाता है। कमजोर व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि इस शासन प्रणाली को अपनाना उनके जीवन मरण का प्रश्न होता है। एडोल्फ हिटलर आगे कहते हैं, मैं यह भी समझ गया था कि समाज और व्यक्तियों के लिए शारीरिक यातना का क्या मतलब होता है। समाजवादियों ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की दृष्टि से इसका भी सही अनुमान लगा रखा था। कार्यशालाओं और कारखानों में, असेंबली हालों और जन प्रदर्शनों में सत्रांश की नीति की तब तक विजय निश्चित थी जब तक कि प्रभावित व्यक्ति उससे भी शक्तिशाली किसी आतंक का सहारा नहीं ले लेते। इस शासन प्रणाली की कार्यशैली यह है कि पार्टी एक सत्रांश का वातावरण पैदा करती है, खुली हत्याएं करती है और फिर राज्य तथा सत्ता से शांति स्थापना की अपील करती है। ऐसा करने का पार्टी का सामान्य उद्देश्य आम गड़बड़ी पैदा करना होता है। दल के लोग सरकारी उच्च अधिकारी वर्ग में से किसी ऐसे मंदबुद्धि अधिकारी की तलाश करते हैं जो उनकी इच्छानुसार शांति और व्यवस्था भंग करने में उनकी सहायता करे और इस योजना के विरोधियों को हतोत्साहित करे। कोई न कोई मंदबुद्धि धूर्त इस आशा से उनकी सहायता करने को मिल ही जाता है ताकि वह इन आतंक फैलाने वाले सत्ताधारियों का कृपा पात्र बन जाए और फिर उनसे भविष्य में लाभ प्राप्त कर सके। इन तरीकों से समर्थकों या विरोधियों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को केवल वही समझ सकता है जिसने लोकमत को किताबों की बजाय व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया हो। सोशल डेमोक्रेसी के समर्थकों को जो सफलताएं मिलती हैं वे जहां इसे अपने उद्देश्य के औचित्य का विजय चिन्ह मानते हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़ित विरोधी अगले किसी विरोध का प्रभावशीलता में विश्वास ही खो बैठते हैं। शारीरिक सत्रांश के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तरीकों को मैं जैसे जैसे समझ रहा था वैसे वैसे मुझे इसका शिकार बनने वाले लोगों से अधिकाधिक सहानुभूति हो रही थी। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उस समय यातना झेलनी पड़ी। इससे मैं अपने लोगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचने लग गया और इस अनुभव ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं झूठे नेताओं और उनके द्वारा भटकाए अथवा शिकार बनाए गए विपदग्रस्त व्यक्तियों से भेंट कर सकूं। अब मैं कुछ ऐसी विशिष्टताओं को बताने का प्रयास करने जा रहा हूं जिससे सामाजिक सोपान के निम्न स्तर पर
रह रहे लोगों की मानसिकता का पता चलता है। परंतु यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि सामाजिक गहराइयों का मुझे जो भी ज्ञान मिला है वह उन लोगों के आत्म बलिदान और सच्ची मैत्री की दुर्लभ भावना का परिणाम है। ये वे लोग हैं जो जीवन में कुछ नहीं चाहते और अपनी साधारण परिस्थितियों में ही मस्त रहते हैं। पुरानी पीढ़ी के श्रमिकों के बारे में तो यह विशेष रूप से सत्य है। युवा पीढ़ी में अवश्य इन गुणों का धीरे धीरे लोप हो रहा है क्योंकि उन पर बड़े शहरों का प्रभाव बढ़ रहा है। फिर भी युवा वर्ग में ऐसे बहुत से हैं जो दिल के अच्छे हैं और जिन्होंने दैनिक जीवन में घृणित वातावरण से अपने आप को अछूता रखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर मामलों में सुलझे हुए हैं और निपुण हैं और उन राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं जो हमारे लोगों के साझे शत्रुओं द्वारा चलाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि वे अच्छे श्रमिक समाजवादी उपद्रवियों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत में न किन्हीं बुराइयों को मानते हैं अथवा न उन्हें जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज का और कोई ऐसा वर्ग नहीं जो श्रमिकों की स्थिति के बारे में चिंता करता हो। अंततः सामाजिक स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उन लोगों को अपने को अलग न रख करके मजबूरी में झुकना पड़ा। चाहे यह सब पहले अनिच्छा से ही था, परंतु फिर एक दिन वह भी आया जब गरीबी बढ़ने लगी और बढ़ती हुई गरीबी ने उन श्रमिकों को सोशल डेमोक्रेसी के टोले में सदा के लिए ढकेल दिया। अनेक अवसरों पर बुजुर्गवा वर्ग ने श्रमिकों वर्गों की अत्यंत उचित मानवीय मांगों का भी डटकर विरोध किया। उनका व्यवहार न केवल गलत निर्णय था अपितु यथार्थ में देखा जाए तो सर्वथा अनैतिक भी था। इससे बुजुर्गवा वर्ग को कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि ईमानदार श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन संगठन के असली विचार को छोड़ दिया और उसे राजनीतिक रंग दे दिया। लाखों श्रमिकों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया, परंतु क्योंकि उनके व्यूहों पर लगातार आक्रमण होते रहते थे अतः इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता था। फिर भी यह पराजय बुजुर्गवा दलों की मूर्खता के कारण थी क्योंकि वे श्रमिक वर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक न्यायोचित मांग का विरोध करते थे। श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के प्रयत्नों को नकारना कारखानों में मजदूरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा के उपायों को सोचने से इनकार करना, शिशु श्रम को रोकने से इनकार करना, महिला श्रमिकों विशेषकर गर्भवती स्त्रियों के लिए रक्षात्मक उपायों का विचार करने से इनकार करना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को काफ़ी मदद मिलती थी। इस पार्टी के लोग तो ऐसे अवसरों की ताक में रहते थे कि किस तरह श्रमिक लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनका शोषण किया जाए। बुजुर्गवा दल द्वारा उस समय की कई गलतियों से इस पार्टी को जो क्षति हुई थी उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने सामाजिक सुधार के सभी उपायों का विरोध करके घृणा के बीज बोए और इस तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के इस दावे की केवल वे ही श्रमिक वर्गों के हितों की परवाह करते हैं को गलत सिद्ध करने के लिए स्पष्ट आधार तैयार कर दिया। बुजुर्गवा वर्ग का यह व्यवहार श्रमिक संघों के अपने वास्तविक अस्तित्व को बनाए रखने की भावना के नैतिक औचित्य का भी एक मुख्य आधार बन गया। इसके फलस्वरूप अब श्रमिक संस्थान मुख्य राजनीतिक भर्ती केंद्र बन गया। यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुखों के लिए एक चुनौती थी। इस तरह आसपास की सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करते हुए चाहे अनचाहे मुझे यह भी फैसला करना था कि श्रमिक संघों के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि मैं उनको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मेरा फैसला उतावलेपन में लिया गया होने के कारण गलत था। अपने फैसले के अनुसार मैं सामान्यतया श्रमिक संघों की उपेक्षा की। यह संतोष का विषय है कि इस महत्वपूर्ण मामले में प्रकृति ने हस्तक्षेप करते हुए मुझे सावधान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपना वह मत बदल दिया। मैं 20 वर्ष की आयु में ही कर्मचारियों के सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके लिए बेहतर निवास के अवसरों को जुटाने के लिए प्रयास करने वाली ट्रेड यूनियन में अंतर करने लगा था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ट्रेड यूनियन आंदोलन के
वास्तविक महत्व को समझते थे। वे आंदोलन को हथियार के रूप में और सफलतापूर्वक प्रयोग करते थे, जबकि बुजुर्वा दल इस तथ्य को न समझ सकने के कारण अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा खो बैठे। उनका सोचना था कि उनका अपना दम्भी निषेधाधिकार आंदोलन के सहज विकास को रोक देगा और उसे एक अशोभनीय स्थिति में ढकेल देगा। लेकिन यह बड़ी बेतुकी बात थी और उनका यह सोचना गलत था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने आप में राष्ट्र विरोधी होता है। इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण सत्य के अधिक निकट था। यदि ट्रेड यूनियनों की गतिविधियां एक वर्ग की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं, तो ऐसी गतिविधियां न तो पितृभूमि विरोधी है और न ही राज्य विरोधी, बल्कि ये तो सही अर्थों में राष्ट्रवादी है। इस तरीके से तो ट्रेड यूनियन संघ ऐसी सामाजिक स्थितियां स्थापित करने में सहायता करते हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए अपरिहार्य हैं। इस रूप में ये संघ उच्च मान्यता के हकदार हैं। जब ये सामाजिक बुराइयों के मनोवैज्ञानिक एवं वास्तविक कीटाणुओं का नाश करते हैं, तो निश्चित है कि यह एक तरह से राष्ट्र का सर्वतोमुखी कल्याण ही करते हैं। यह प्रश्न निरर्थक होगा कि क्या ट्रेड यूनियनें अपरिहार्य हैं। वास्तव में जब तक ऐसे नियोक्ता हैं जिनमें सामाजिक समझ की कमी है, न्याय और औचित्य के बारे में उनके अपने ही गलत विचार हैं, तब तक कर्मचारियों का यह केवल अधिकार ही नहीं अपितु उनका कर्तव्य है, जो कि आखिरकार हम लोगों का एक अभिन्न अंग है, कि वे लालच और अन्याय से सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करें। लोगों की निष्ठा और विश्वास की रक्षा करना भी उतना ही बड़ा सेवा है जितनी कि सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आज इन दोनों की ही स्वार्थी नियोक्ताओं से गंभीर खतरा है। नियोक्ता राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। उनकी अपनी लालसा और कर्तव्यहीनता भविष्य के लिए मुसीबतों के बीज बोती है। इस तरह के विकास के कारणों को निर्मूल करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। देश इन कदमों की सराहना ही करेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक श्रमिक नियोक्ता के हाथों निजी तौर पर भुगते अथवा भोगे जाने वाले अन्याय के परिणामों से मुक्त होने के लिए बेचैन रहता है। यह कहना है कि वह काम नहीं छोड़ सकता है। मुद्दे के असली पहलू से ध्यान हटाने की एक चाल है। विचारणीय यह है कि सामाजिक असंतोष के कारणों को दूर करना राष्ट्र के हितों में है कि नहीं। यदि हित में है, तब तो लड़ाई केवल उन हथियारों से लड़ी जानी चाहिए जिनसे सफलता मिले। अकेला श्रमिक कभी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वह अपने मालिक की शक्ति के विरुद्ध खड़ा हो सके, क्योंकि यहाँ प्रश्न अधिकार के विजय का नहीं। यदि इस संबंध में अधिकार निर्देशक कोई सिद्धांत प्रचलित होता है, तो तकरार कभी पैदा नहीं होता। परंतु यहाँ तो प्रश्न यह है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। यदि मामला कुछ और होता तो न्याय की भावना ही झगड़े को सम्मानपूर्वक निपटा देती। इसे और स्पष्ट किया जाए तो कहना होगा कि बात कभी झगड़े तक पहुंचती ही नहीं। अब यदि किन्हीं लोगों के असभ्य और अशिष्ट व्यवहार से गतिरोध पैदा होता है, और जब तक कि संवैधानिक विधायी शक्तियां कानून के द्वारा उस बुराई को दूर करने के सहायता नहीं होती, तब तक निश्चित है कि संघर्ष करने में समर्थ व्यक्ति ही अपने फैसले को मनमाने ढंग से लागू कर सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि श्रमिक को संघर्ष में कभी जीतने का अवसर प्राप्त करना है, तो उसे अपने अन्य साथी श्रमिकों के साथ मिलकर संगठन बनाना होगा, ताकि वह अपने उस मालिक का सामूहिक शक्ति से मुकाबला कर सके, जो निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए समूची शक्ति को अपने व्यक्तित्व में सजो लेता है और फिर अपने द्वारा संचालित औद्योगिक अथवा व्यापारिक संस्थान के स्वामी के रूप में उसे प्रकट करता है। इस तरह से ट्रेड यूनियनें दैनिक जीवन में सामाजिक न्याय की भावना को उत्पन्न करके श्रमिकों को और अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं, जिससे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति का रास्ता खुल सकता है। ऐसे करते हुए वे मतभेद और तकरार के उन कारणों को भी दूर कर सकती हैं जिनसे असंतोष और निराशा पैदा होती है। यह आरोप है कि ट्रेड यूनियनें इस अति वांछित कार्य को पूरा नहीं करती हैं। वास्तव में उन लोगों पर
यह आरोप लगाना जाना चाहिए जो वैधानिक तरीकों से सामाजिक सुधार के रास्तों को बंद कर देते हैं या अपने राजनीतिक प्रभाव से ऐसे सुधार को ध्वंस करके अप्रभावी कर देते हैं। राजनीतिक बुजुर्गवा वर्ग ट्रेड यूनियन आंदोलन के महत्व को नहीं समझ सके, या यूं कहा जाए कि वे समझना ही नहीं चाहते थे। सोशल डेमोक्रेटों ने इस भ्रांतिपूर्ण नीति का लाभ उठाया और दूसरी ओर से बिना किसी विरोध के संपूर्ण श्रमिक आंदोलन को अपने संरक्षण में लेकर उस पर एकाधिकार भी कर लिया। इस तरीके से उन्होंने अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली, जिसके पीछे वे संघर्ष के विकट रूप धारण करने पर सुरक्षित होकर आराम करते थे। इससे आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य धीरे धीरे पीछे पड़ जाता था तथा दूसरे नए गौड़ उद्देश्य उभर कर सामने आ जाते थे। जिस मौलिक उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थापना की गई थी, सोशल डेमोक्रेट न तो उसे सम्मान देते थे और न ही उसे पूरा करने के लिए कोई चेष्टा भी करते थे। वस्तुतः उन्हें तो अपने राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए ही इस आंदोलन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। कुछ ही दशकों में सोशल डेमोक्रेसी के कुछ चतुर सदस्यों ने ट्रेड यूनियन का स्वरूप बदल दिया। संगठन का मूल उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा निर्धारित किया गया था, परंतु अब उसे देश के राष्ट्रीय और आर्थिक ढांचे को ध्वंस करने के लिए साधन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। श्रमिक वर्गों के हितों को ताक पर रख दिया गया था। वस्तुतः यदि एक पक्ष काफी अनैतिक हो और दूसरा काफी विनीत और निष्क्रिय हो तो राजनीति में आर्थिक दबाव को बनाए रखना हमेशा संभव होता है। यहाँ इस मामले में ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। इस शताब्दी के प्रारंभ में ही ट्रेड यूनियन आंदोलन ने अपनी स्थापना के आधारभूत मौलिक उद्देश्य को पहचानना छोड़ दिया था। वर्षों बीतते बीतते यह सोशल डेमोक्रेटों के राजनीतिक नियंत्रण में चला गया, यहाँ तक कि अंत में इसका वर्ग संघर्ष वाला स्वरूप ही समाप्त हो गया। इसका इस्तेमाल विभीषण, घर का बेदी लंका ढाए की तरह किया जाने लगा। डेमोक्रेटों की योजना निरंतर और बार बार के प्रहारों से उस आर्थिक भवन को ध्वस्त करने की थी, जिसका निर्माण इतने कठिन श्रम और लंबे समय तक बड़ी लगन से किया गया था। एक बार इस उद्देश्य को पूरा हो जाने पर राज्य का सर्वनाश तो अपने आप ही हो जाता, क्योंकि राज्य की आर्थिक नीति ही खोखली हो चुकी थी। सोशल डेमोक्रेटों का ध्यान धीरे धीरे श्रमिक वर्ग के असली हितों से हटाया गया, क्योंकि चालाक नेताओं ने यह अनुभव किया कि उनके तत्कालिक राजनीतिक हितों के अनुकूल है कि वे सामान्य जनों की सामाजिक और सांस्कृतिक मांगों की परवाह न करें। उन्हें भय था कि यदि जनसाधारण एक बार संतुष्ट हो गया तो फिर राजनीतिक संघर्ष में उसका उपयोग निष्क्रिय वस्तु के रूप में किया ही नहीं जा सकेगा। इटली के किराए के सिपाहियों को वर्ग संघर्ष में बड़ा निराशाजनक भविष्य प्रतीत हुआ, क्योंकि इसमें सामान्य जनों का असंतोष शामिल ही नहीं था। यही कारण है कि उन्हें ऐसी छूट मिल गई कि उन्होंने सामाजिक सुधार से संबंधित मौलिक नीतियों को लागू करने तक का विरोध किया और उन्हें दबा दिया। वस्तुतः हालात ऐसे थे कि उन्हें ऐसी असंगत नीति को अपनाने में किसी विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा। उस समय जनता को जिस प्रकार अपनी मांगों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए सिखाया गया था, उसके संतुष्ट होने की संभावना बहुत कम थी। अतः उठाए गए सुधारवादी कदमों का महत्वहीन होना स्वाभाविक था। ऐसी परिस्थिति में जनता को अब यह मनवाना संभव हो गया था कि श्रमिक वर्गों के द्वारा दावे के रूप में स्वीकार किए जा रहे सुधारक उपाय वास्तव में खोखले मजाक थे। इस प्रकार श्रमिकों की संघर्ष शक्ति को कमजोर करने की डेमोक्रेटों की पैशाचिक योजना थी। इस तरह के मिथ्यारोपों की सफलता पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। यदि केवल यह समझने की आवश्यकता है कि जनता की चिंतन शक्ति कितनी कमजोर होती है। बुजुर्गवा क्षेत्रों में सोशल डेमोक्रेटिक युक्तियों के प्रति काफ़ी रोष था, परंतु फिर भी बुजुर्गवा वर्ग की ओर से व्यवहारिक निष्कर्ष निकालने के लिए कोई प्रत्यात्मक कदम नहीं उठाए गए। सोशल डेमोक्रेटों का श्रमिक वर्गों की दयनीय परिस्थितियों को सुधारने का भय बुजुर्गवा वर्ग को प्रेरित कर सकता था कि वे इस दिशा में कुछ अत्यंत प्रभावशाली प्रयास करें।
और इस तरह से वर्ग संघर्ष के दादाओं के हाथों से उनका अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार छीन लें, परंतु इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। बुजुर्गवा वर्ग अपने विरोधियों पर आक्रमण करने के बदले स्वयं ही दबते और उजड़ते रहे। अंत में इस वर्ग द्वारा अपनाए साधन निस्तेज और महत्वहीन होने के कारण सर्वथा अप्रभावी शुद्ध हुए, फलतः उनका परित्याग कर दिया गया। इस प्रकार संपूर्ण स्थिति वैसी ही बनी रही जैसी बुजुर्गवा हस्तक्षेप से पूर्व थी, परंतु असंतोष अब काफ़ी गंभीर रूप धारण कर चुका था। फ्री ट्रेड्स यूनियन, स्वतंत्र व्यापार में विश्वास रखने वाले लोगों का एक संघ, एक डराने वाले तूफान की भांति राजनीतिक क्षितिज पर और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर मंडरा रहा था। यह आतंक के अत्यंत भयानक हथियारों में से एक था, जो राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे की सुरक्षा और स्वाधीनता के लिए तथा राज्य की नींव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भारी खतरा था। यह फ्री ट्रेड्स यूनियन ही था जिसने न केवल प्रजातंत्र को एक उपहासास्पद और घृणित लोकोक्ति बना दिया था, न केवल स्वाधीनता के आदर्श की खिल्ली उड़ाई, अपितु तुम हमारे साथी नहीं बनोगे तो हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे जैसे नारे के द्वारा अपने को भी कलंकित किया था। इस तरह मुझे मानवता के इस तथाकथित मित्र की जानकारी मिली। अगले वर्षों में इस संबंध में मेरा ज्ञान विस्तृत और गहन अवश्य होता गया, परंतु इस बारे में मैं अपनी धारणा में कुछ भी नहीं बदला। मैं सोशल डेमोक्रेसी के बाह्य रूप से जितना ही अधिक परिचित होता गया, उसके सिद्धांतों के आंतरिक पक्ष की जानकारी प्राप्त करने को मेरी जिज्ञासा उतनी ही अधिक बढ़ने लगी। दल का प्रामाणिक साहित्य दिशा में मेरी विशेष सहायता नहीं कर सका। चर्चित आर्थिक प्रश्नों पर इसके कथन मिथ्या और प्रमाण अविश्वसनीय थे। राजनीतिक ध्येयों के बारे में इसका दृष्टिकोण थोथा था। इसके अतिरिक्त मुझे प्रवचनों के माध्यम से अपने तर्कों को पेश करने के उनके तरीके भी पसंद नहीं थे। इनके कथन में प्रयुक्त अलंकृत वाक्य तथा अस्पष्ट दुर्बोध लौकिकतियाँ उच्च विचारों की प्रस्तुति का ढोंग अवश्य भरती थी, परंतु वास्तव में वे कथन विचार शून्य और निरर्थक होते थे। वस्तुतः इन कथनों का अर्थ समझना मानसिक भटकाव में एक ऐसा सुखद अनुभव था जैसे किसी व्यक्ति का किसी आधुनिक शहर में खानाबदोश बनना। तभी कोई जिज्ञासु इस साहित्य डेडिज्म, एक यूरोपीय कला शैली जिसे कहा जाता है, इसके बदबूदार धुएं में आत्मीय अनुभव को पाने में समर्थ हो सकता था। वे लेखक स्पष्टतः हमारे कुछ लोगों की पाठकीय सज्जनता पर निर्भर करते थे, क्योंकि सामान्यतया पाठक लेखक को अपने से कहीं अधिक बुद्धिमान समझता है। इस सिद्धांत के कपटी एवं अस्पष्ट रूप को और बाहरी दिखावे को सामने रखते हुए मुझे इसके उद्देश्यों की धीरे धीरे जानकारी हुई। ऐसे क्षणों में मुझे एक अशुभ पूर्व बोध हुआ और किसी अनिष्ट का भय सताने लगा। मेरे सम्मुख एक ऐसा सिद्धांत था जो अहंकार और घृणा के भावों से प्रेरित था और जिसे अपनी विजय पर पूरा विश्वास था, परंतु जिसकी विजय का मानवता के लिए एक विनाशकारी आघात होना निश्चित था। इस बीच मैंने एक विनाशकारी सिद्धांत और एक वर्ग के लोगों की विशिष्ट चरित्र के बीच में संबंध को खोज निकाला जो अभी तक मेरे लिए अज्ञात था। आगे हिटलर कहते हैं कि उस विशिष्ट चरित्र के वर्ग के लोगों की जानकारी एक ऐसी कुंजी है जिससे कोई सोशल डेमोक्रेसी के आंतरिक स्वरूप और उसके असली ध्येयों को समझ सकता है। जो व्यक्ति उस वर्ग को जान लेता है वह अपनी आँखों से उस पर्दे को हटा देता है जिसके द्वारा वह अब तक इस दल के उद्देश्यों के प्रयोजनों को कुछ का कुछ यानी गलत समझता रहा होगा, और तब सामाजिक लोकोक्तियों के कोहरे से निकलकर मार्क्सवाद का असली विकृत रूप सामने आ जाता है। आज मेरे लिए यह कहना कठिन ही नहीं बल्कि लगभग असंभव ही है कि विशिष्ट वर्ग शब्द ने सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में कब और किस विचार विशेष को जन्म दिया। मुझे याद ही नहीं कि मैंने इस शब्द को घर पर कभी अपने पिता के मुख से सुना भी होगा। मेरा विचार है कि उस समय अगर कोई इस नाम का अपमानजनक भाव से उल्लेख करता तो मेरे पिता जैसे बुजुर्ग व्यक्ति उसे अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी समझते।
मेरे पिता अपने जीवन काल में लगभग विश्व नागरिक बन चुके थे और राष्ट्रवाद पर उनके विचार पक्के थे, जिनका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा। पाठशाला में भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे घर में पनपी धारणाओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव होता। रियालसूल में मैं एक विशेष वर्ग के लड़के को जानता था। हम उससे संबंध बनाने में चौकन्ने थे। इसका कारण केवल उसकी चुप्पी ही नहीं थी, अपितु उसकी कुछ हरकतों ने भी हमें सावधान रहने की चेतावनी दी। मैंने और मेरे साथियों ने उसके बारे में कोई विशेष धारणा नहीं बनाई थी। 14 या 15 वर्ष की आयु में मुझे राजनीतिक विवादों में विशेष वर्ग शब्द अक्सर सुनने को मिलता था। इस संदर्भों में थोड़ा विद्वेष का भाव उत्पन्न होता था और मैं इसके प्रति कूट भावना से नहीं बच पाता था। धार्मिक विवादों को सुनने पर तो यह कटुता और अधिक उग्र रूप ले लेती थी। उस समय मेरे मन में विशिष्ट वर्ग के बारे में कटुता को छोड़कर और कोई भाव नहीं था। लिंज में मैं बहुत कम विशिष्ट वर्ग के लोगों को जानता था और लिंज में बहुत कम विशिष्ट वर्ग के लोग रहते भी थे। शताब्दियों से जो विशिष्ट वर्ग वहाँ रहते थे, बाह्य रूप से वे सब यूरोपीय बन चुके थे और ऐसे लोगों की तरह रहते थे कि मैं तो उन्हें जर्मन ही समझता था। इस प्रकार के स्पष्ट भ्रम का कारण धर्म को विभाजक तत्व मानते हुए उसे पहचानने का आधार बनाना था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि अपने धर्म में उनकी निष्ठा के कारण उन्हें इस प्रकार उत्पीड़ित किया जाता था कि उन्हें अपना धर्म छोड़ने को विवश होना पड़ा, तो विशिष्ट वर्ग के प्रति मेरा मन घृणा से भर गया। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता था कि धर्म परिवर्तन की ऐसी क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुदृढ़ योजना लागू की जा सकती है। इसके पश्चात मैं वियना आ गया। इस वीडियो में इतना ही। अगला भाग अगले वीडियो में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।